हाय एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। यानी कि 15 अगस्त का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मुझे पता है कि आज 15 अगस्त है नहीं, बट एक्चुअली उस दिन में मेरा शो है और उस दिन में मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे कमेंट आ रहा है इस दिन के ऊपर कि ऐसा मैजिक ट्रिक सिखाए ताकि हम 15 अगस्त के लिए कुछ मैजिक ट्रिक्स रेडी कर पाए, लोगों को देखाकर थोड़ा सा इंटरटेन कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप 15 अगस्त के लिए मैजिक ट्रिक्स रेडी कर सकते हो, और आप अपने स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी ऑफिस में आप जा रहे हो 15 अगस्त के लिए, तो आप वहां पर भी जाके लोगों को हैरान कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा इंटरटेन कर सकते हो, इंप्रेस भी कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आगे तक जरूर देखो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैजिक सीखना है ना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मेरे पास एक व्हाइट पेपर, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, एक व्हाइट पेपर है और सबसे पहले मैं इस व्हाइट पेपर को ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं इस व्हाइट पेपर के अंदर मैंने कुछ ड्राइंग किया है या नहीं है। तो एक्चुअली आप देख सकते हो ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं दोनों तरफ से तो बिल्कुल ही ब्लैंक। तो ये जो पेपर है, आप सोच लीजिए, ये हमारा देश है और इस देश को बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोगों ने, इंग्रेजों ने क्या क्या इसको दबाने की कोशिश किया, इसको कब्जा में लेने की कोशिश किया, बहुत बात तो हो गया, लेकिन आखिर में जाके हमारा 15 अगस्त में क्या हुआ ना, ये देश हम स्वाधीन कर लिए। कैसे स्वाधीन किए, इसलिए हमें बहुत खून बहाना पड़ा, बहुत सारे जवानों ने शहीद हुआ और फिर हमारा 15 अगस्त मैजिकल तरीके से जो है स्वाधीन हो गया। वो कैसे हुआ उसको मैं दिखाऊंगा इस पेपर के माध्यम से। तो जैसे कि देखा आपने कि देश को हमारा कब्जे में लेने की कोशिश किया बहुत बार तो उसने कर लिया, लेकिन आखिर में जाके कुछ मैजिक ऐसा हमारे इंडियन की जवानों ने कर दिया कि बिल्कुल ही सब लोग हैरान हो गए। कैसे हैरान हो गए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इस पेपर को ओपन करें तो आप देख सकते हो हमारा देश बिल्कुल स्वाधीन, यानी कि हमारा व्हाइट पेपर से बन गया हमारा तिरंगा। तो गाइस ऐसे चाहो तो आप भी मैजिक को परफॉर्मेंस कर सकते हो लोगों के सामने 15 अगस्त के दिन, अपने स्टेज में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी फंक्शन हो रहा है तो वहां पर आप थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए, लोगों को मनोरंजन करने के लिए आप इस मैजिक को दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत ईजिली आप इस ट्रिक को परफॉर्मेंस कर सकते हो और आप बना भी सकते हो घर में और ईजिली सबके सामने दिखा कर सबको आप हैरान भी कर सकते हो। तो बहुत सारे भाई का सवाल आ रहा था कि यार आपका जो वेबसाइट आपने बताया है और लिंक भी दिया है वहाँ से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, इंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक हफ्ते के अंदर फिर से आपको ज्वाइनिंग करने का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मोबाइल के माध्यम से कैसे आप वेबसाइट के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी मैजिक बेसिक करना चाहते हैं या मैजिक को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, बेसिक टू प्रो, तो मैं आपके लिए कोर्स बनाया जहाँ पर आप सीख सकते हो कैसे कार्ड को कंट्रोल किया जाता है, कैसे कार्ड को फोर्स किया जाता है, कैसे आप मैजिक को सीख सकते हो, कैसे आप मैजिक को परफॉर्मेंस कर सकते हो, और उसके साथ कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट मैजिक ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा उस कोर्स के अंदर। तो अगर आप भी इंटरेस्ट है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और उसके साथ आपको वेबसाइट के अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस कोर्स देखने को मिल सकता है, माइंड रीडिंग और भी अलग अलग आपको इफेक्ट्स का मैजिक देखने को मिल सकता है। तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो यार इस वीडियो में मैं गेंद रखता हूँ 3000 लाइक का, आशा करते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर देंगे क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज बहुत ही अच्छा और देश के लिए मैजिक। तो आपको एक लाइक तो यार कर देना चाहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा आपको मैजिक सिर्फ दिखाते नहीं है, आपको मैजिक सिखाते हैं। तो इस मैजिक को करने के लिए आपको जो करना है वो है, सबसे पहले तो आपको एक इस तरह का पेपर लेना है और जिसमें आपको तिरंगा बना लेना है। ओके, सबसे पहले आप अपने हिसाब से चॉइस करके जितना बड़ा लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, मैंने छोटा करने की कोशिश किया है। ओके, तो आपको सेम टू सेम ऐसा कर लेना है और इसके जैसा और एक पेपर की जरूरत होता है जो कि है मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो यह है और एक पेपर जो वाइट पेपर है, ठीक है, बिल्कुल वाइट। और इन दोनों का अगर हाइट चेक करें तो बराबर है, अगर इन दोनों का साइज चेक करें तो बराबर है, यानी कि हर तरफ से ये बराबर है, दोनों बिल्कुल मिलता जुलता, देखिए दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो सेम टू सेम। ओके, और फिर आपको फोल्ड कर लेना है, पहले तो इसका हाफ फोल्ड कर रहा हूँ, फिर आपको साइड से फोल्ड करना है, जैसे आप फोल्ड करना चाहेंगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेरे जैसा ही फोल्ड करना है, तो जैसे आप फोल्ड करना चाहेंगे कर सकते हैं, बिल्कुल इसको छोटा सा बनाना है इसका मतलब, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने इसको छोटा सा बना लिया, सेम टू सेम इसको वही करेंगे जैसे कि मैंने किया, इसको फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड, फिर फोल्ड, फिर फोल्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं दोनों को अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं दोनों बिल्कुल बराबर है। तो मेरे पास दो दो ऐसा पेपर होते हैं और जो हमारा तिरंगा है वो है ये, ठीक है, और जो फॉल्स पेपर है जो मैंने पहले दिखाया था वो है ये पेपर। अब हमें करना क्या है, ये जो पेपर है इसको हमने एक बार फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा तिरंगा है इसको बीच में रखा, इस तरीके से ऑफ कर लिया। और जैसे कि आपने देखा होगा मैंने इस तरीके से शुरू किया था मैजिक का, मेरे पास एक व्हाइट पेपर है तो मैंने यहाँ से मैजिक को शुरू किया था। आप चाहो तो ऐसे घुमा के भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोई ना,
आप स्क्रीन में दिखा सकते हो, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आपका हाथ भी खाली लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आपके हाथ में इस पेपर के अलावा और कुछ है नहीं, बट एक्चुअली हमारे इसके बीच में है हमारा तिरंगा। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको, तो आईने के सामने दो चार बार प्रैक्टिस कर ही लेना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो फिर सबसे पहले आपका जो थंप है वो अंदर जाता है और जाके हमारा जो पेपर है को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर हम ऐसे ओपन करते हैं और फिर हम इस थंब से इन दोनों फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, आप चाहो तो इस हाथ से कर सकते हो, चाहो तो इस हाथ से कर सकते हो, आपका मर्जी। तो मैंने क्या ना, जब बात किया और इसको ओपन किया तो इस चीज़ को मैंने इस थंब से खींचा और खींच के इन दोनों फिंगर के बीचों बीच ले लिया। ये बहुत ईजी है, चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लेना ऐसे लेकर, आपको इसे खींचना है, ठीक है। तो ईजिली आप देखेंगे कि ये जो है आपके उंगली के बीच में आ जाता है, पीछे से आपको कुछ पता नहीं चलता। यस, आप ऐसे देख सकते हो, बट एक्चुअली आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे रखना है हाथ को ताकि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन एक्चुअली देख सकते हो इतना बड़ा पेपर ज़्यादा नहीं लेना है ताकि हमारा उंगली से बाहर आ जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बराबर आ जाए ऐसा कुछ पेपर लेना है, जैसे कि आप पेपर का साइज आप देख सकते हो मैंने कितना बड़ा पेपर का साइज लिया है, तो ये आप ले सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैं और एक बार दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैंने मैजिक को शुरू किया, मेरे पास एक पेपर है, फिर हमने घुमा के दिखाया, फिर इसमें थाम को डाला और फिर इसको ओपन किया और फिर मैंने इस थाम की मदद से इसको बीच में रखा और फिर मैंने इसको ओपन किया और दिखाया कि देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल खाली है, ठीक है, बट हमारा पेपर हाथ में होता है। फिर हमने इसको फोल्ड किया, आपको हिस्ट्री बताना है, जब आप किसी मैजिक में हिस्ट्री बताते हैं तो लोग उसमें खो जाते हैं, लोग सुनने लग जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, और धीरे धीरे आपको फोल्ड करना है, और इतना तक जब आपका फोल्ड हो जाता है तो आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे ऑफ करना है और ऑफ करके इस चीज़ को सेम टू सेम हमें इस हाथ में ले लेना है, और लेने के बाद हम क्या करते हैं इस चीज़ को आगे लेके आ जाते हैं और लोग सोचते हैं वो उसी पेपर को हमने ओपन किया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको सामने की तरफ से दिखाऊं तो जब भी हम हाथ में रखते हैं, रखने के बाद इस तरीके से थंब से पकड़ लेते हैं और इस चीज़ को ऐसे ओपन करके ले आते हैं, ओके। तो देखने में लगता है उसी पेपर को आपने ओपन किया, तब इस हाथ का जो फिंगर्स है यानी कि उंगली है वो बराबर होना चाहिए ताकि किसी तरीके से बाहर ना आ जाए, ठीक है। कोशिश ये करना है कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आपको रखना है, बट एक्चुअली अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते तो नो प्रॉब्लम, आपको बाकी जो उंगली है उसको सही तरीके से रखना है, और फिर जब हो जाता है तब आपको इस हाथ से इसको ओपन करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। आप धीरे धीरे आप ओपन कीजिए ताकि आपका उंगली ऐसा ना हो जाए किसी भी तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा था आपको दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना है, या चाहो तो आप इस जगह पे आने के बाद आप बता सकते हो किसी को कि अपना हाथ ऐसे करो और इस पेपर को लेके आप उसके हाथ में रख दो, आप बोलो कि इसको पकड़ के रखो, ऐसे कस के रखो, तो जब वे सारे सीन होता है तो आप इजीली इस चीज़ को अपने जेब में रख सकते हो या किसी जगह पर आप रख सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपका हाथ का सफाई सही है तो आप जैसे मैंने दिखाया था इसको ओपन करो और फिर बताओ कि देखो किस तरीके से हमारा देश बदल गया, और ऐसे आप दिखाने के बाद जब भी लोगों को दिखाते हो तो वो रिएक्शन में पड़ जाता है, लोग सोचने लग जाते हैं, तब इजीली आप इस चीज़ को पॉकेट में डाल सकते हो या कहीं पर भी रख सकते हो। तो आशा करते हैं यार इस ट्रिक के बारे में आपको भी काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, आप प्रैक्टिस करो, ईजी है, आसान है, कोई भी कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो, तो जाओ सीखो और बनाओ और 15 अगस्त के लिए रेडी हो जाओ।